लेकिन अभी देखिए अभी की स्थिति यह है कि आप 3 से 90 पे तो जा रहे हैं, 90-91 अभी अभी का जो 285 का आंकड़ा अभी तक आया है हमारे पास। और एक बार फिर बता दें हम कि हमारे पास सीधा काउंटिंग सेंटर से आंकड़े आ रहे हैं, इनमें बिल्कुल फेरबदल हो सकता है क्योंकि अभी कई राउंड की वोट मतगणना अभी होनी है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस 191 पर आगे चल रही है, आप 91 पर आगे चल रहे हैं। मैं यतीन शर्मा के पास जाऊंगा, हमारे साथी यतीन शर्मा इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। यतेंद्र क्या कह रहे हैं वहां पर लोग, क्योंकि देखिए असम से तो अच्छी खबर है लेकिन जहां सबसे ज्यादा सारा दांव लगा हुआ था, ये सबकी नजर लगी हुई थी या जहां सबसे ज्यादा कोशिश थी, पश्चिम बंगाल जहां 200 पार की बात हो रही थी, वहां 200 पार करने की स्थिति में तो तृणमूल कांग्रेस हो सकती है, अभी बीजेपी तो नहीं दिख रही है। और 200 तो क्या छोड़ दीजिए, बहुमत का आंकड़ा आएगा ये ऐसा नहीं दिख रहा है, या बहुत बड़ा उलटफेर होना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं और जो बीजेपी की स्थिति दिखाई दे रही है उससे साफ है कि बहुत बड़ा फेरबदल फिलहाल तो होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और जो 200 पार का नारा बीजेपी ने दिया था उस नारे को अगर रूप देखा जाए, सही तस्वीर देखी जाए तो वो टीएमसी उस तस्वीर में आगे जाते हुए दिखाई दे रही है। जहां तक बीजेपी ऑफिस की बात है तो कोविड का प्रकोप अभी पूरी दिल्ली में चल रहा है, तो ऐसे में बीजेपी आलाकमान की तरफ से पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि बीजेपी ऑफिस बंद रहेगा और अभी भी बंद है, कोई भी कार्यकर्ता यहां पर नहीं है। तो इस वजह से अभी जो चुनावों की तस्वीर है, अगर बीजेपी कहीं जीतती है तो उसके बाद कुछ कार्यकर्ता जरूर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी नेता या कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस में नहीं है। और ये एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि अगर रुझान इसी तरह से पश्चिम बंगाल में रहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूरा दमखम पूरी ताकत बीजेपी आलाकमान ने झोंक दी थी, लेकिन उसके बाद अब जो तस्वीरें सामने आ रही है रुझानों की वो उनके उम्मीदों के अनुरूप नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसे में बीजेपी आलाकमान अभी शांति से इन रिजल्ट्स को देख रहा है और हालांकि थोड़ा खुश हो सकता है क्योंकि असम में जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सत्ता की तरफ, वो उसके लिए थोड़ी खुशी हो सकती है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात माने तो पश्चिम बंगाल जरूर उसके लिए एक झटका साबित होगा अगर ये तस्वीर आगे भी इसी तरह से बनी रहती है तो। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस से संजय शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, 193 काफी कंफर्टेबल दिख रहा है, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन नंदीग्राम में क्या हो गया? नंदीग्राम के भी अभी शुरुआती रुझान है और नंदीग्राम में मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत इस नदी से बहुत पानी बहना अभी बाकी है और थोड़ी देर में आप देखिएगा कि नंदीग्राम से भी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ दीदी आगे निकल जाएंगे। लेकिन एक मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए किसी भी राउंड में पीछे होना, ये अपने किसी भी राउंड में या एक ही राउंड में पीछे हो, ये अपने आप में एक झटका तो है। इसे आप झटका कह सकते हैं लेकिन हम लोग इसे इस तौर पर देखते हैं कि दीदी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात करके और चुनाव में संग्राम करके एक जो चीज सामृत की है वो जब इसका पूरे रिजल्ट आएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा और मैं आपको तब विस्तार से और बताऊंगा कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ना बंगाल की राजनीति में क्या मायने रखता था और नंदीग्राम में जो प्रोपेगेंडा वार चला है भारतीय जनता पार्टी ने और शुभेंदु अधिकारी जी ने, उन सारी बातों को निचोड़ कर जब ये सीट जीत कर दीदी निकलेंगी तब इसके क्या मायने निकलेंगे बंगाल और देश की नजर में, ये तब देखने वाली बात होगी। अच्छा एक बात बता